अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि सुशांत भी के नाइन में है, बट आज वो यहाँ नहीं है क्योंकि वो बिग बॉस के घर में है। सो उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे, एज अ कंटेस्टेंट कैसे थे, मतलब किस तरह का उनके साथ था? सुशांत के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती होगी ओवर द कोर्स ऑफ द शूट। हमारे काफ़ी सारे कॉमन इंटरेस्ट्स हैं। वो म्यूज़िक के बहुत शौकीन हैं, उनको संगीत बहुत पसंद है, साथ ही साथ मुझे फ़िटनेस बहुत पसंद है। तो मैं उन्हें थोड़ा म्यूज़िक सिखाता था, वो मुझे थोड़ी फ़िटनेस सिखाते थे, ऐसी हमारी दोस्ती हुई। और खाने के दोनों शौकीन हैं, तो बड़ा खाया पिया है हमने। एज अ कम्पिटिटर तो मतलब इंडियन वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली काफ़ी तगड़े खिलाड़ी हैं। मेरे साथ बहुत अच्छा था, और बिल्कुल बिल्कुल टचवुड, मेरे साथ कोई ऐसा शख्स नहीं है जो अग्रेसिव हो या डांटे। मेरे साथ सुशांत भी बहुत अच्छे थे, और जब मैंने बिग बॉस में कभी उनको अग्रेसिव होते देखा, लड़ते देखा, तो मैं बोलती थी भाई ऐसा तो था नहीं। फिर जब मैं एक दो बार मुझे मौका मिला अंदर जाने का, तो मैंने उनको बोला, मैं कहा आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो, गुस्सा कम करो। सी व्हेन यू आर प्लेइंग अ गेम, या वी ऑल आर वेरी डिफरेंट, बट as when the cameras are not rolling, when you're not playing the game, how you are, I consider that is your reality. And what I have seen is Sushant is a sweetheart. He is a thorough gentleman, very chivalrous, very well behaved, and yes, he is emotional, he is not being faked there. हाँ, गुस्सा तो श्रीचंद का ऐसे है और होना भी चाहिए भाई, ही इज़ प्लेड फॉर अ नेशन। स्पोर्ट्समैन में अग्रेशन ना हो तो वो कैसे जिताएगा हमको? अग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ही हैज़ दैट स्पोर्ट्समैन अग्रेशन, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। वेल, आई थिंक श्रीचंद एज अ पर्सनैलिटी, हम सब उन्हें पिच पर भी देख चुके हैं, और उनका जो अग्रेशन है वही उन्हें हमेशा काम भी आया है, और वही शायद उनके लिए कभी कभार घाटे का सौदा भी बन जाता है। एंड बट बिग बॉस में वो बहुत उमदा खेल रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन फेवर फॉर हिम। श्रीशांत को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, झलक में थे वो, फिर खतरों के खिलाड़ी में, फिर बिग बॉस में मैंने ओपनिंग कोरियोग्राफ किया, तो वहाँ पे भी मैंने उनको कोरियोग्राफ किया, तो मैं जानता हूँ कैसे। एंड आई एम सो हैप्पी दैट ही इज़ ओपनिंग अप इन बिग बॉस, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी में इतना ओपन अप नहीं हुए थे एज़ फार एज टॉकिंग इज़ कंसर्न। वो अपने एक शेल में थे, ज़्यादा लोग से बात नहीं करते थे। ही डिड अ वेरी गुड जॉब इन खतरों के खिलाड़ी, एंड आई थिंक ही इज़ डूइंग इवन बेटर इन बिग बॉस, क्योंकि वो ओपन अप हो रहे। सही या गलत ये देखने का नज़रिया है, शायद आपके लिए जो सही है वो मेरे लिए गलत हो, या मेरे लिए जो सही है आपके लिए गलत हो, तो उस पर नहीं जाते। मैं सिर्फ इतना खुश हूँ कि श्रीशांत की बातें बहुत हो रही है, तो ही इज़ वन ऑफ द टॉकिंग कंटेस्टेंट्स, एंड वो अपना जो दिल में है, दिमाग में है, वो बोल रहे, एंड आई होप कि वो आगे तक जाए बिग बॉस में। ऑल द बेस्ट। आई थिंक ही वो बिल्कुल ऐसा ही इंसान है, श्रीशांत बिल्कुल वैसा ही है। अभी आप देखेंगे इसमें भी कभी भी उनको गुस्सा आ जाता है, कभी भी अच्छे मूड में होते हैं, कभी भी हंसते हैं। आई थिंक वो बंदा ही वैसा है। पता नहीं लोग ऐसा बोलते हैं कि शायद बिग बॉस में देखने के बाद उनको सब फेक फेक बोल रहे हैं, बट ही इज़ नॉट, वो ऐसे ही हैं, वो एक इसी टाइप का इंसान है। एंड आई थिंक वी ऑल शुड रिस्पेक्ट हिम, बिकॉज उन्होंने हमारे इंडिया के लिए खेला हुआ है, वर्ल्ड कप में खेले हुए हैं, जो बहुत 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 बड़ी बात होती है। गिने चुने 11 लोग खेलते हैं, प्लेयर होते हैं पूरी हिंदुस्तान में, तो आई थिंक उनमें से वो एक थे। तो हम वो जैसा करें, जो करें, कुछ गलत तो नहीं कर रहे, बट वी ऑल्सो रिस्पेक्ट हिम, एंड आई थिंक हमने भी उनको वो रिस्पेक्ट दी वहाँ पर, एंड सबको देनी चाहिए। श्रीचंद भाई जो हैं वो थोड़े से मूडी हैं, और उनको थोड़ा गुस्सा जल्दी आता है। सो जैसे आप वहाँ पे देख रहे हैं बिग बॉस में, वैसे वो वहाँ पे भी थे, बट वहाँ शांत में जाके बैठ जाते थे, खुद ही उन्हें गुस्सा आता था, गुस्सा करते थे शांत में जाके, हमें समझाते थे भाई चल रिलैक्स करो यार। सो वो वैसी हैं, आई थिंक जैसे वो बिग बॉस में है, आई थिंक ही इज़ नॉट ट्राइंग टू प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स, बट ही इज़ व्हाट ही इज़, आई वुड से। आई जस्ट विश हिम लक।